आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में विवाद और मारपीट आम बात हो गई है। नया मामला आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के अध्यक्ष ने सोसाइटी के दो निवासियों पर आरोप लगाया है। बिना स्टिकर के कार को सोसाइटी में प्रवेश करने से रोका गया तो दोनों निवासियों ने जबरन कार को अंदर लाने की कोशिश की और सुरक्षाकर्मी और सुपरवाइजर के साथ बदतमीजी की। जब एओए अध्यक्ष सुपरवाइजर की सूचना पर मौके पर पहुंचे, उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट की गई। घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एओए के अध्यक्ष की शिकायत पर थाना बिसरख पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिशिर कुमार है, मैं आम्रपाली लेजर वैली का एओए का अध्यक्ष हूँ। और घटना आज सुबह की है, करीब 8:15 से 8:30 के बीच में। पिछले कई दिनों से इस सोसाइटी में सुरक्षा को लेके काफ़ी हम लोग अभियान चला रहे थे और जो भी ज़रूरी कदम है एओए की तरफ से वो हम लोग लेने का प्रयास कर रहे थे। इस पे जो यहाँ पे निवासीगण है उनका भी काफ़ी दबाव था और हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि सुरक्षा अहम है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे पार्क प्लस लगवाया है जो गेट पे, और सारे निवासियों से अनुरोध किया था कि वो अपने अपने पार्क प्लस के टैग को ले लें और 1 सितंबर से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसकी सूचना हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले सब लोगों को दे दी थी और उसके बाद रिमाइंडर भी दिया था और लोग उसमें एक्शन भी ले रहे थे, जिनके पास नहीं था वो पार्क प्लस अपना ले रहे थे टैग। आज सुबह जब इसको इम्प्लीमेंट करने का समय था, मैं गेट पे था, सिक्योरिटी ब्रीफिंग कर रहा था, उनको समझा रहा था कि पार्क प्लस को कैसे लोग को पहचानना है। इसी बीच हमारे एक सह निवासी हैं, ए ब्लॉक में रहते हैं, दुर्गेश कुमार, वो गेट में प्रवेश करना चाह रहे थे, उनके पास टैग नहीं था, सिक्योरिटी ने उनको रोका और सिक्योरिटी से जब उन्होंने कुछ कहा सुनी हो गई तो सिक्योरिटी ने मेरे को आकर बताया कि सर इस तरह की बात हो रही है। जब मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि टैग क्यों नहीं लगवाया है, वो इतने में अब्यूजिव हो गए, गलत भाषा का प्रयोग करने लगे और साथ साथ फिर उन्होंने हमारे साथ फिजिकली मैन हैंडल करने की कोशिश की और उन्होंने किया भी, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस सोसाइटी के लिए और खासकर हम लोग जो यहाँ पे विधि व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश प्रयासरत हैं उनके लिए तो बेहद ही ये दुखद बात है और ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, जिनका टैग नहीं था तो उनको एंट्री किस प्रकार से दे क्या? देखिए, जिनके हमने दो व्यवस्था कर रखी थी, एक तो जिन्होंने टैग लगवा लिया है उनके लिए तो ऑटोमेटिक बूम बैरियर ओपन होता है, जिन्होंने टैग नहीं लगवाया उनके लिए हमने रजिस्टर रखवाया था कि भाई वो अपनी एंट्री करके अंदर आए जब तक कि वो टैग नहीं लेते, जो कि एक मेरे समझ से उचित व्यवस्था है और हर सोसाइटी में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे नियम कानून से ऊपर उठकर उसको धड़ल्ले से तोड़कर यहाँ रहना चाहते हैं, असामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं, वो बिल्कुल किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकृत नहीं है। और कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में एक ही थे, एक लोग थे, एक थे और एक उनके सहयोगी थे, दो अलग अलग गाड़ी में दो लोग थे, दोनों सह निवासी हैं और अच्छी तरह से परिचित है हम लोगों से यहाँ पे। एक तो उसमें से उम्मीदवार भी थे चुनाव में, एओए के चुनाव में, और एक इलेक्शन कमेटी में के मेंबर थे, तो ये दोनों ही जिम्मेवार लोग हैं, लेकिन नियम कानून से ऊपर उठकर कुछ करना चाह रहे हैं। डंडा भी लिया था, सुना था। हाँ, उसके बाद जब पहली झड़प हो गई, मैं गेट के अंदर आ गया, सिक्योरिटी गार्ड ने उनको टैकल किया, उनको पकड़ा, इस बीच वो हाथ छुड़ाकर गार्ड रूम से एक डंडा लेकर और डंडे से मेरे पे प्रहार करने की कोशिश की गई, जिसमें मेरे को क्षति हुई शारीरिक तौर से और मेरा आईफोन 14 जो महंगा फ़ोन है वो पूरी तरह से टूट गया। पुलिस से आप लोगों ने शिकायत की है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस से हमने शिकायत की और क्योंकि जो जो इसमें
संलिप्त हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनका पहले भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और पुलिस को इस बारे में हमने अवगत कराया है और ये लिखित में दिया है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं है और ये कानूनी तौर से गलत है। तो इसको आप अपने संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन बुरी तरह से टूट चुका है उनके डंडे चलाने की वजह से और ये क्षति। सुपरवाइजर अक्षय कुमार, मॉर्निंग के समय डे शिफ्ट को ब्रीफ करने के बाद सभी को पोस्ट वाइज पोस्ट शेयर किया भेज दिया। उसके बाद मेरे प्रेसिडेंट श्री सशीष जी आए और सबको यही बोला कि आज एक तारीख है, एक तारीख होने के बाद कोई भी बिना जिसमें पार्क प्लेस नहीं है तो वो गाड़ी अलाउ नहीं होगी। वो जिसमें पार्क प्लेस है वो गाड़ी अप्रूव वायरल खुल जाएगा, अलाउ हो जाएंगे। उसके बाद जिसमें पार्क प्लेस नहीं है उनको साइड में एंट्री करने के बाद तभी अलाउ की जाएंगी। उसके बावजूद एक गाड़ी आई उसमें पार्क प्लेस था पर उस गाड़ी में कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पार्क प्लेस नहीं खुला। तो मैंने अपने पेशेंट को बुलाया, हमने सर ये गाड़ी नहीं खुल रही है। तो पेशेंट ने कहा हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से ना खुला हो तो इसको अलाउ कर दीजिए। मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद एक गाड़ी नंबर है 5111, वो दुर्गेश जी की बताई जा रही गाड़ी पर, गाड़ी पर कोई सोसाइटी के अंदरवाइज का स्टिकर नहीं था। तो उस गाड़ी को सिक्योरिटी द्वारा रोका गया, तो सिक्योरिटी द्वारा कहा गया कि सर, सिक्योरिटी द्वारा यही कहा गया सर आप स्टिकर पार्क प्लेस पर ले लीजिए तो आपको वेट करना ना पड़े यहाँ पे। तो उनको यही जो दुर्गेश जी थे उनका वर्ड यही निकला कि किस बेंच और ने ये रूल चलाया है, इनका वर्ड यही निकला। तो मैंने कहा सर आप वर्ड गलत प्रयोग कर रहे हो, चाहे मेरे साथ या मेरे गार्ड के साथ गलत आप रूल पे, जो सोसाइटी के प्रोटोकॉल हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके ही पैसे से हम लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना। जब तक मैं प्रेसिडेंट को बुलाया, प्रेसिडेंट ने यही कहा भाई आपका स्टिकर नहीं है क्यों नहीं ले रहे हैं, बस आपका कुछ मेंटेनेंस का फॉल्ट है इसलिए नहीं मिला। बस इतना वर्ड जब प्रेसिडेंट ने बोला तो प्रेसिडेंट से यही वर्ड प्रयोग किया दुर्गेश जी ने कि आप कौन होते हो ये कहने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा हम तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो मेरा फर्ज है कहने का। तो इतने में दुर्गेश जी ने हाथापाई शुरू कर दी, हाथापाई इतनी फारी की जो हमारे प्रेसिडेंट को गार्ड रूम के अंदर जो डंडा रखा था डंडा निकाल कर लेडीज गार्ड से डंडा छीना। उसके बाद प्रेसिडेंट के दो डंडे मार दिए और उनको काफ़ी चोट आई। उसके बाद गाड़ी साइड से निकाल कर एग्जिट से निकाल कर थाने में जाके पहले तहरीर भी दे दी और हो सकता फर्जी मेडिकल भी बनवाया गया, उसका मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, पर जितनी पट्टी उनके वेरीफाई की गई है उतनी पट्टी क्लियर नहीं की गई है। थैंक यू।